बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी पेपर टू से रिलेटेड, तो उससे मैंने मतलब थोड़ी बहुत रिसर्च की और सारे क्वेश्चंस जितने भी हैं पेपर टू से रिलेटेड उन सबको कंपाइल किया है। अच्छा, हम लोगों का मैं सोच रहा हूँ कि 10 डेज का सेशन है, 15 अप्रैल से 25 अप्रैल तक। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होंगी पहले वो सब देख लो। जूम पे सारी क्लासेस होंगी, उसमें एरे के क्वेश्चन, फाइल्स के क्वेश्चन, फिर स्ट्रिंग मैनिपुलेशन और डेटा टाइप्स के क्वेश्चन, ड्राई रन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, रिकॉर्ड डेटा टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, इन सब की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। मैं भी आप लोगों को दिखा भी देता हूँ सारी चीज़ें। 10:30 टिल 12:30 क्लासेस होंगी, 2 आवर्स डेली, सही, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ सूडो कोड के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपका, मैंने थोड़ा बहुत और उनको केस वाइज डिवाइड करने में कोशिश की है। अभी सारे जितने भी पास्ट वर्जन से मैं एक दफ़ा गो थ्रू किया है, तो जितने भी उसमें केसेस बन रहे हैं अलग अलग, वो मैंने भी आपको दिखा भी देता हूँ। तो उसी मुताबिक हम लोग इंशाल्लाह सारी चीज़ें इसके अंदर अटेम्प्ट करेंगे। अच्छा, जैसे अगर पहले बात कर लेते हैं एरेज की, तो एरेज के अंदर बहुत सारी चीज़ें सब डिविजन्स हो सकती हैं। मतलब लीनियर सर्चिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो कि क्वेश्चन 3, और ज़्यादा इतने बड़े क्वेश्चंस नहीं होते, क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 2 में आ जाता है, जो कि लीनियर सर्चिंग स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश से मिक्स होकर आपसे वो पूछ लेता है, सही है। बाकी डाटा स्टोर करवाने के, इनिशलाइज करवाने के बेसिक क्वेश्चन होते हैं एरे के, अराउंड 4 to 5 मार्क्स के, वो हम लोग इसके अंदर कवर करेंगे। फिर डेटा एक्सट्रैक्शन, डेटा एक्सट्रैक्शन की एक अलग टाइप है। फिर 2D arrays, जो कि इमेज और पिक्सल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और बबल सॉर्ट, ये आपके एरे से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों के पास इसके अंदर मिल जाएंगे। तो अभी बैठ के बस यही सारी चीज़ें कंपाइल की हैं, हर एक एक ईयरली का क्वेश्चन उसके टॉपिक के मुताबिक, जैसे डेटा एक्सट्रैक्शन के क्वेश्चन कौन कौन से, बबल सॉर्ट के कौन से हैं, ये सब हम लोगों ने अटेम्प्ट करने। जैसे ये टाइम रिलेटेड क्वेश्चन है, टाइम रिलेटेड क्वेश्चन में एक अलग टाइप है, मतलब आपको बहुत सारे पासवर्ड्स मिलेंगे जिसमें टाइम्स के अंदर एडिशन और वो सब चीज़ें हो रही होंगी, तो हम लोग इसको भी स्टडी कर लेंगे एक दफ़ा। इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो हम लोग अटेम्प्ट कर लेंगे। फिर एक्सट्रैक्शन है, लीनियर सर्च है, एडवांटेजेस ऑफ एरे, जैसे 2D array, ये इमेजेस का क्वेश्चन है। फिर मई जून 2018 पे भी 21 क्वेश्चन 6, ये इमेजेस का क्वेश्चन है। फिर बबल सॉर्ट के क्वेश्चन है, इन सबको देखना है। फिर फाइल्स हैं, फाइल्स के अंदर भी ऐसी डिवीजन हो सकती है, अगर आप गौर से टॉपिकल पासवर्ड्स को देखें, ईयरली पासवर्ड्स को देखें, तो उसके अंदर भी आप लोगों को इजीली डिवीजन मिल सकती है। जैसे कोई भी आपके एरेस हैं उससे आपको स्टोर करवाना है फाइल्स के अंदर, तो एक उसकी एक टाइप आ सकती है। फिर डेटा एक्सट्रैक्शन की, मतलब एक ही लाइन के अंदर वो आपको 2-3 चीज़ें दे देंगे, उसमें से कहेंगे कि भाई ये पर्टिकुलर आइटम मुझे दें, उससे सर्चिंग करवाएंगे, वो सारी चीज़ें एक्सट्रैक्शन के अंदर आ जाएंगी। फिर उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है उसके अंदर, फाइल्स के अंदर जो बहुत ज़्यादा मिलता है आप लोगों को, अराउंड 3 to 4 क्वेश्चंस मुझे मिल चुके हैं, डिफरेंट लाइन का कॉन्सेप्ट। डिफरेंट लाइन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि वो अलग अलग आइटम को अलग अलग लाइन पे स्टोर करवाता है, एक ग्रुप के, एक पेयर की फॉर्म में, और उससे फिर आपसे सवाल करता है। तो उसकी थोड़ी बहुत टेक्निक डिफरेंट हो जाती है, और फिर उससे थोड़े बहुत मुश्किल क्वेश्चंस हैं फाइल से रिलेटेड, वो भी हम लोग इंशाल्लाह अटेम्प्ट कर लेंगे। फिर ड्राई रन और डेटा टाइप्स और स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, ये फिर एक इनकी क्लासेस हो जाएंगी अलग से, जिसमें हम लोग सिर्फ इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो कि इजी मार्क्स गेनिंग क्वेश्चंस हैं आपके, वो हम लोग फिर अटेम्प्ट कर लेंगे ड्राई रन और डेटा टाइप्स के। अच्छा, क्वेश्चंस भी मैं आपको दिखा देता हूँ, सारी चीज़ें जो हम लोग कवर करेंगे, ये सारे मतलब अभी कंपाइल हो गए, एरे से रिलेटेड सारे केस वाइज क्वेश्चन हैं जो हम लोगों ने इस मेगा क्लास में अटेम्प्ट करने। सारे एक एक चीज़ इसमें डिस्कस होगी कि भाई कौन सी, कैसे आप लोगों ने क्वेश्चंस को रीड करना है, क्या चीज़ें आप लोगों को नोटिस करनी है, और कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, मार्क स्कीम बेस्ड सब चीज़ें, एक एक चीज़ हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। सारे केसेस बने हुए हैं लीनियर सर्चिंग के, जैसे ये है स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश का क्वेश्चंस हैं, ये स्ट्रक्चर इंग्लिश का, लीनियर सर्चिंग का। फिर 2D arrays के, इमेजेस और पिक्सल से रिलेटेड जो जहाँ पे भी क्वेश्चन आएंगे वो 2D arrays के, इन सबको कैसे अटेम्प्ट करना है, जितने भी मुश्किल सवाल हैं। इसलिए देखें, मैं हर बच्चे को पर्सनली रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ, तो इसमें ये फ़ायदा होगा कि आप लोग इजीली डिस्कस कर सकते हैं सारी चीज़ें, और जितनी टेक्निक्स है वो हम लोग इजीली सीख लेंगे इसमें। ये हो गया आपके एरेज के क्वेश्चंस, ये हैं फाइल्स के क्वेश्चंस, इसमें स्टोरिंग एंड एक्सट्रैक्शन का एक पूरा केस, उसका एक बहुत बड़ा सवाल था, ये सब अटेम्प्ट करना है। फिर उसके बाद अल्लाह भला करें ये सब क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था ये, फिर केस 2, डिफरेंट लाइन का कॉन्सेप्ट, जैसे ये मैं आप लोगों को बता रहा था, इसके अंदर ये भी एक और डिफरेंट लाइन का कॉन्सेप्ट, ये भी डिफरेंट लाइन का है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, ये अच्छा खासा मुश्किल सवाल है, इसको एक दफ़ा इसी मेगा क्लास के अंदर हम लोग देखेंगे। अच्छा, 10 15th of April को सेशन स्टार्ट हो जाएगा,
और जिसने भी मतलब रजिस्ट्रेशन करवानी है वो डिस्क्रिप्शन में इजीली फॉर्म एक्सेस कर सकता है, सब चीज़ें आप लोग वहाँ से रजिस्ट्रेशन करवाएं। और उसके बाद इंशाल्लाह 15 अप्रैल से 10:30 टिल 12:30 डेली 2 आवर की क्लासेस होंगी, जिसमें हम लोग ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह कवर करेंगे। सही है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।